देश भर में भारत सरकार द्वारा किए गए यातायात नियमों के जुर्माने में हुए भारी बदलाव के बाद देश में कहीं इन बदलावों को सराहना मिल रही है तो कहीं इसे अव्यवहारिक बताया जा रहा है। भारत सरकार के इस कदम को अगर सकारात्मक भाव से समझें तो कहीं ना कहीं भारी जुर्मानों के डर से सड़क हादसों में हर रोज जाने वाली हजारों जानें भी बचेंगी। किंतु कानूनों में बदलाव के बाद वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पहले तो डिज़ाइनर लोगों ने मेमे बनाकर शुरू किए कि अब पुलिस की जेब भी ज़्यादा गर्म होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वीरवार को ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ के हल्लू माजरा से सामने आया, जहां एक होमगार्ड उस समय धर पकड़ा गया जब वह किसी चालक से 500 रुपये रिश्वत मांग रहा था, जिसकी वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि एक घंटे बाद ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई और उस होमगार्ड पर सख्त एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद सिर्फ वाहनों पर लगाम लगेगी या रिश्वतखोर पुलिस वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। डॉक्यूमेंट क्यों चेक करेगा? क्या तूने मुझे बताया था? डॉक्यूमेंट तेरे ज्यादा मैंने तुझको पहले भी कहा हुआ है कि तू ना ले, पैसे देंगे वापस, फिर वो अपना पैसे वापस करेंगे। मैंने कितनी बार तुझे कहा हुआ है रामजादा, पैसे वापस दे उनके, बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं तू वो करता। तू मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, पैसे दे वापस उनके। रामजादा तेरे हिम्मत कैसी है कि पहले के तू डॉक्यूमेंट चेक करने वाला कौन होता है? तू मेरे पास क्यों लाया? चलान कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऑफिसर वो है हराम जाला भाई, और दिल को ऐसा करते मार मार के तेरा वो कर दूं। वीडियो ना बना भाई, बैठ दे यार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।